हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन ड्रामा रोमांटिक मूवी को, जिसका नाम है अप्रैल स्नो, जिसे डायरेक्ट किया है हर जिन हो ने। और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, जो है 6.7 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम इंसू नाम के बंदे को देखते हैं। वो हमें एक इवेंट में म्यूजिक लाइट्स मैनेजमेंट का काम करते हुए दिखाया जाता है। फिर अचानक से उसे कॉल आ जाता है और वो निकल जाता है। इसके बाद हम इसे डायरेक्टली हॉस्पिटल में देखते हैं। वो इमरजेंसी रूम के बाहर हमें दिखता है। वहीं हमें सियोंग नाम की बंदी दिखाई जाती है। सियोंग डिस्टर्ब होती है। कॉल आने के बाद से इंसू भी डिस्टर्ब होता है। अगले सीन में हमें पता चलता है इंसू की वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था। सियोंग भी डिस्टर्ब थी क्योंकि उसके हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हुआ था। सियोंग का हस्बैंड और इंसू की वाइफ, ये दोनों एक ही कार में थे। इसके बाद इन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है उनकी चीज़ें कलेक्ट करने के लिए। पुलिस कहती है जब एक्सीडेंट हुआ था तब इंसू की वाइफ ड्रंक थी। इंसू को शॉक लगता है क्योंकि उसकी वाइफ कभी भी ड्रिंक नहीं करती। इसके बाद इंसू और सियोंग सारी चीज़ें उठा लेते हैं। इन सारी चीज़ों में उन्हें कॉन्डम भी दिखाई देता है। वो लोग इसे भी नोटिस करते हैं। और जो चीज़ें इन्हें मिली इनमें एक कैमरा भी होता है। इस कैमरे को सियोंग चेक करती है और उसे बहुत बुरा लगता है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर से इतनी दूर इन दोनों के लाइफ पार्टनर एक साथ क्या कर रहे थे। इंसू अपनी वाइफ के ऑफिस में कॉल लगाता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने वैकेशन के लिए ऑफिस से छुट्टी ली थी और इंसू को उसकी वाइफ ने कहा था कि वो काम के लिए जा रही है। फिर इंसू और सियोंग को लगता है कि उनके पार्टनर चीट कर रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं इंसू से मिलने के लिए उसके फादर आते हैं। वो अपने फादर से झूठ कहता है कि उसकी वाइफ बिजनेस ट्रिप पर आई हुई थी। उसे वापस सिटी में यानी सियोल जाना पड़ेगा जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। ये इंसू के ऑफिस यानी सियोल से काफ़ी दूर था। वो अपने सारे काम छोड़कर आया हुआ था इसलिए उसे फिर से घर वापस जाना पड़ेगा। इंसू अपनी वाइफ का फ़ोन चेक करता है लेकिन उसमें एक पासवर्ड होता है। वो अलग अलग कोड ट्राई करता है और फाइनली फ़ोन ओपन हो जाता है। इस फ़ोन में उसकी वाइफ और सियोंग के हस्बैंड के बीच जो भी कॉन्वर्जेशन हुई थी ये सारी कॉन्वर्जेशन वो पढ़ सकता है। इसे पढ़कर वो बहुत दुखी होता है। स्ट्रेस की वजह से उसके नाक से भी खून आने लगता है। जब वो काम पर जाता है तब उसका फ्रेंड उसे एडवाइस देता है कि अब तुम कुछ दिनों के लिए ऑफ ले लो क्योंकि पिछली बार वो अचानक से छोड़कर चला गया था। इसी वजह से उसके प्रोड्यूसर उस पर नाराज़ हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो फिर से जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था अपनी वाइफ के पास पहुँच जाता है। जिस होटल में वो रह रहा था उसी होटल में सियोंग भी रह रहे थे। ये एक दूसरे के सामने आते हैं। फिर इंसू उससे बात करता है। वो कहता है मैंने पुलिस से कहा मेरी वाइफ एक बिजनेस ट्रिप पर आई थी। क्या तुम्हारे हस्बैंड भी एक बिजनेस ट्रिप पर आए थे? सियोंग कहती है हाँ। इंसू कहता है लेकिन मेरी वाइफ वैकेशन के लिए आई थी। तुमने पुलिस को जो भी कहा वो सही कहा। इन दोनों को अपने पार्टनर्स के बारे में पता है और इसलिए ये नाटक नहीं कर सकते कि इन्हें पता नहीं है। रात में इंसू अपनी वाइफ को देखने के लिए आता है तब सियोंग वहाँ खड़ी हुई थी। उसके हस्बैंड का किसके साथ अफेयर चल रहा था ये वो देखना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों मेडिकल स्टोर पर मिलते हैं। जो भी इनके साथ हो रहा था तो इन दोनों को स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आ रहे थे। आगे चलकर सियोंग इंसू से पूछती है तुम्हें इन दोनों के बारे में कैसे पता चला? इंसू कहता है मेरी वाइफ के फ़ोन में मैसेजेस थे। वो सियोंग से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला? वो कहती है जो कैमरा हमें मिला था ये मेरे हस्बैंड का नहीं था। इसके बाद वो मैसेजेस पढ़ती है और इंसू को कैमरा देती है। फिर वो कैमरे की वीडियो में देखता है उसकी वाइफ सियोंग के हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो रही थी। इसके बाद वो अपनी वाइफ को देखने के लिए हॉस्पिटल में आता है। उसकी वाइफ और सियोंग के हस्बैंड की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। वो किसी से बात नहीं कर सकते। इंसू अपनी वाइफ से कहता है तुम्हें मर जाना चाहिए था। अगले सीन में हम देखते हैं उसका फ्रेंड उससे मिलने के लिए आया हुआ था। वो उसे सहारा देता है और कहता है टेंशन मत लो तुम्हारी वाइफ ठीक हो जाएगी। जब सारी बात इंसू अपने फ्रेंड को बताता है तब वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस होता है और कहता है ये सब मेरी ही गलती थी तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे होगे। वो उससे भी अब बात नहीं करना चाहता और उसे जाने के लिए कहता है। वो बहुत ही ड्रंक हो चुका था और डायरेक्टली सियोंग के रूम तक आ गया। वो कहता है मुझे तुमसे बात करनी है लेकिन वो कोई भी बात कर सके इस हालत में नहीं था। सियोंग अपने रूम से बाहर निकल कर आती और फिर वो वहीं सो जाता है। अगले दिन इंसू जो भी किया इस सब के लिए वो सियोंग को सॉरी कहता है। इसके बाद हम देखते हैं इनकी एक गवर्नमेंट ऑफिसर से बात होती है। तभी इन्हें पता चलता है उनके पार्टनर की कार का एक्सीडेंट किसी दूसरे की कार से टकरा कर हुआ था और दूसरी कार के आदमी की डेथ हो चुकी है। फिर ये गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है गाड़ी कौन चला रहा था ये पता नहीं चला है और सेटलमेंट कैसे होगी ये भी अनक्लियर है। ऑफिसर इन दोनों से कहता है उस आदमी के फ्यूनरल पर तुम दोनों को जाना चाहिए। ये लोग उस आदमी के घर पहुंचते हैं। उसकी मदर उनका वेलकम करती है। वो उनसे कहती है क्या तुम मेरे बेटे के फ्रेंड हो? फिर ये सारा सच उसे बता देते हैं।
जिसे सुनकर वो रोने लगती है। वो कहती है आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी, निकल जाओ यहाँ से। फिर उस आदमी के ब्रदर्स को पता चलता है जो इन्हें मार मार कर निकाल देते हैं। ये सारी सिचुएशन देखता है इन्होंने को बुरा लगता है। वापस लौटते वक्त सियोन बहुत रो रही थी। अगले दिन इनसे अपनी बाइक पर क्लीनअप कर रहा था तो अचानक से वो अपने आपक को देखता है और अपनी बाइक से कहता है तुम्हें मर जाना चाहिए। वो पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, आज रात भी उसे नींद नहीं आती। इसके बारे में देखते हैं बाहर स्नो पड़ा हुआ था और वो उससे स्नोबॉल बनाकर फेंक रहा था। ये सब सियोंग अपने रूम से देख रही थी। फिर वो नीचे आती है और उसे पूछती है क्या तुम एथलीट थे। इंसु अपने प्रोफेशन के बारे में उसे बताता है। वो कहती है ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है लेकिन इंसु को ये इतना अच्छा नहीं लगता। फिर वो सियोंग से पूछता है तुम क्या करती है। वो कहती है मैं हाउसमेट हूँ। इंसु कहता है ये भी बहुत हार्ड वर्क है, सियोंग को उसके हस्बैंड ने इस तरह से कभी नहीं कहा था। तो ये सुनकर उसे अच्छा लगता है। ये दोनों फिर डिनर करने के लिए एक होटल में पहुंचते हैं। सियोंग इंसु से पूछती है तुम और तुम्हारी बाइक कैसे मिले थे। इंसु कहता है मेरी बाइक फोटोग्राफर थी इसलिए वो कॉलेज में फोटो लेने के लिए आई हुई। वो जब अपनी बाइक के कॉलेज का नाम बताता है तब सियोंग कहती है मेरा हस्बैंड भी उसी कॉलेज में था, शायद तभी से वो एक दूसरे को जानते हैं। इंसु पूछता है तुम और तुम्हारे हस्बैंड कैसे मिले। वो कहती है हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, तुम्हारी बाइक का करियर था इसलिए शायद वो उसे पसंद आई हो। वो इंसु से पूछती है जब तुम्हारी बाइक को होश आएगा तब तुम क्या करोगे। इंसु हंसते हुए कहता है मैं उससे रिवेंज लूंगा। ये दोनों फिर बहुत हंसते हैं। सियोंग भी मजाक में कहती है अगर हम दोनों में रिलेशनशिप हुई तब वो दोनों बौखला जाएंगे। इसके बाद इनका डिनर खत्म हो जाता है और अगले दिन लंच में भी एक साथ होते हैं। इंसु अपने काम कंटिन्यू करने के लिए सियोंग के साथ सियोल पहुँचता है। एक रात ये बाहर वॉक करने के लिए आते हैं, इन्हें वॉक भी करना था लेकिन सियोंग को ठंड लग रही थी। सियोंग कहती है क्यों ना हम भागते हुए कार तक जाएं। ये दोनों फिर ऐसा ही करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों फिर से हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। एक छोटा सा पौधा खरीद कर सियोंग इंसु को देती है। वो कहती है इसका अच्छे से ख्याल रखना। इंसु भी कहता है हाँ मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों एक दिन फिर से मिलते हैं, फिर ये एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में समुंदर के पास ये वॉक कर रहे थे। सियोंग इंसु से पूछती है तुम्हारा फेवरेट सीजन कौन सा है। इंसु कहता है मुझे स्प्रिंग पसंद है। सियोंग को विंटर अच्छा लगता है। इंसु कहता है मुझे स्नो भी अच्छा लगता है। वो विश करता है स्प्रिंग में स्नो गिरना चाहिए। इसके बाद एक दूसरे के साथ ये सेल्फी लेते हैं। इंसु ने अभी अभी जो कहा स्प्रिंग में स्नो गिरना चाहिए, इन दोनों के फेवरेट सीजन अलग अलग हैं लेकिन ये चाहती हैं ये दोनों एक साथ हो जाएं लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस बात के बाद इन दोनों ने एक साथ सेल्फी लिया। इस मोमेंट को ये कैप्चर करके रखना चाहते हैं। एक दिन ये दोनों साथ में होते हैं तब इंसु के फादर इन लॉ वहाँ आ जाते हैं। वो सियोंग को छुपा देता है और उनके साथ आगे चला जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए थे। अचानक से हॉस्पिटल से इंसु को कॉल आया और उसे पता चलता है उसकी वाइफ होश में आ चुकी है। वो उसे देखने के लिए जाता है। फिर नर्स कहती है होश में आ चुकी है लेकिन ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती। इंसु फिर अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखता है। ये सब सियोंग नोटिस करती है। जो भी हुआ लेकिन फिर भी वो अपने हस्बैंड को मिस कर रही थी। वो डॉक्टर से पूछती है मेरे हस्बैंड की कंडीशन में कुछ चेंजेस आए। डॉक्टर कहता है कोई भी चेंजेस नहीं आए, अगर तुम चाहती हो तो तुम उन्हें सियोल में एडमिट कर सकती हो। जिनके साथ में तुम्हारी हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था वो भी सियोल शिफ्ट हो रही हैं। इसका मतलब इंसु अपनी वाइफ को लेकर सियोल जा रहा है। ये सुनकर वो हर्ट होती है। इसके बाद जब वो इंसु से मिलती है तब वो कहती है अब तुम खुश हो गए, तुम और तुम्हारी वाइफ सियोल जाने वाले हैं। फिर गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इंसु सियोंग से मिलने के लिए आता है। वो उसके साथ डिनर पर जाना चाहता था लेकिन सियोंग उसे मना करती है। इंसु कहता है मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। इंसु वंडर करता है अगर हम अपनी लाइफ में पहले या काफ़ी बाद में मिले होते तो हमारी लाइफ कैसे होती। उसे लगता है अगर ऐसा हुआ होता तो इन दोनों की सिचुएशन काफ़ी अलग होती। इसके बाद सियोंग को हॉस्पिटल से कॉल आया कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। सियोंग के हस्बैंड की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। जब फ्यूनरल होता है तब इंसु भी वहाँ पहुँचता है। ऐसे ही थोड़े दिन गुजर जाते हैं और इंसु की वाइफ अब बात कर सकती है। वो इंसु को सब चीज़ों के लिए थैंक यू कहती है। इसका मतलब होता है कि उसने इंसु के साथ इतना बुरा किया लेकिन फिर भी इंसु ने उसकी इतनी हेल्प की, इन सारी चीज़ों के लिए वो बहुत ही थैंकफुल है। इसके बाद हम देखते हैं इंसु फिर से सियोंग से मिलने के लिए आता है लेकिन सियोंग वहाँ से जा चुकी थी। दूसरी तरफ हम इंसु के घर के बाहर सियोंग को देखते हैं। उसे देखकर वो बहुत रो रही थी। इंसु भी हमें रोता हुआ दिखाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं इंसु अपनी वाइफ के साथ था। उसकी वाइफ कहती है जो भी हुआ उस सब के बारे में तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने। इंसु कहता है पहले पूछने थे लेकिन अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी वाइफ को बता देता है कि सियोंग का हस्बैंड मर चुका है। वो रोने लगती है और फिर इंसु बाहर जाने लगता है। लास्ट सीन में हमने देखा इंसु कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है।
अगले सीन में हम उसका सामान भी देखते हैं, यानी कि वो एक नए घर में शिफ्ट हो चुका है। इसके बाद वो अपने काम में बिजी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जो सीजन चल रहा है ये स्प्रिंग का है, जो उसका फेवरेट सीजन है। अचानक से वहाँ बर्फ गिरने लगती है। ये स्योंग का फेवरेट सीजन है, मूवी में हमने देखा था। इंसु को लग रहा था विंटर और स्प्रिंग एक साथ हो जाएं, और ऐसा ही हुआ। इसका मतलब एक दूसरे से अब वो मिल चुके हैं, और इसको जस्टिफाई नेक्स्ट सीन करता है। हम देखते हैं स्नो में गाड़ी चल रही है और बैकग्राउंड में उन दोनों की आवाज़ आ रही है। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।